वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी, साडा जो इंसानी जीवन है, जो जिंदगी है, ये असल विच एक रहस्यमय सवाल है। इस करके धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ने भी इस इंसान नू सवाल करना सिखाया कि तू अपने अपने आप नू सवाल कर, तू अपने आपे नू सवाल कर। सुन हो रे तू कौन, कहाँ ते आयो, ए तीक ना जानो, केतिक मुद्दत, चलते खबर ना पायो। सानू साढ़े आपे तो सवाल करना सिखाया। ते प्यार वालियो, सच है जेड़ा भी रब दा प्यारा रब दे चरणा विच सुरत जोड़ करके, नेत्र बंद करके, टका दे नाल अपने अंदर झात मारदा, अपने आपे नू सवाल करदा है, और फिर गुरमंत्र दे अभ्यास दे नाल अपने मन नू रिड़कदा है। सच है उहदे हिरदे दे अंदरों परमात्मा दी खुदा दी जोत प्रगट जरूर हुंदी है। पर अफसोस इस गल दा है कि सवाल असी कर रहे हैं, पर जो साढ़े सवाल ने वो इस तरह ने जिवें पानी दे विच मधाणी पाई हुंदी है, भाव मेहनत कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पर लाभ कोई नहीं हो रहा। पर प्यारे जिहड़ियां महान आत्मावां ने, जिहड़े सतपुरश ने, उहनां दे सवाल इस तरह हुंदे ने जिवें दुध च मधाणी होवे, पानी च मधाणी होवे, लाभ कोई नहीं प्राप्त होवेगा, केवल ते केवल सभा बर्बाद होवेगा। पर दुध च मधाणी पाई होवे, रिड़किया जावे, ते मक्खन जरूर प्रगट हुंदा है, भाव के लाभ प्राप्त हुंदा है। सो इसे करके सतपुरशां ने, महान आत्मावां ने कहा, तू सवाल कर अपने आपे नूं, अपने मूल की पहचान कर। प्यार वालियो, धन धन बाबा फरीद जी, भगत फरीद जी का जीवन वैराग दे नाल ते अमृत भरपूर जीवन है, क्योंकि भगत फरीद जी की सुरत किन्नी की उच्ची है। जरा झात पाने जदों आप इतिहास से तो नज़र आता है कि भगत फरीद जी तो जे काली कोयल नू भी वेखते हैं तो काली कोयल नू वेख के भी नेत्रां च वैराग आता है, तो एक सवाल करते ने, परमात्मा नू मिलन की तड़प जगाते हैं। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरहों जाली। एक अवस्था है, एक प्यार वाले, एक सुरत का टका है कि हर एक कण कण दे विचों अपने प्यारे की याद दे विच जुड़न दा सतपुरश सदा ही जतन करते हैं। भगत फरीद जी ने भी एक बार चार सवाल किते, चार सवाल लिख करके वख वख देश दशांतरां दे संतां महापुरखां सतपुरशां नू भेजे। पहला सवाल सी अकलमंद कौन है, दूसरा सवाल सी दुनिया विच सब तो वड्डा कौन है, तीसरा सवाल सी कि अमीर कौन है, तो चौथा सवाल सी प्यारियों के गरीब कौन है। सवाल चार सन, वख वख सवाल सन, भेजे भी वख वख सतपुरशां महापुरखां नू। पर हैरानी वाला किस्सा यह है कि जदों इन्हां दे जवाब आए, वख वख महापुरखां ने चारे सवालों के जवाब इक्को जिहे दित्ते। हुण इक्को जिहा जवाब मिलिया क्यों? क्योंकि प्यार वालियो, वह एक दे नाल जुड़े सन। जिहड़े सतपुरश रब दे प्यारे, भावें किसी भी मज़हब दे, किसी फिरके दे, किसी इलाके दे होण, पर उन्हां दे जवाब इक्को हुंदे ने, क्योंकि वह जुड़े एक दे नाल हुंदे ने। तां ही करके भावें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के अंदर वख वख भगत साहिबाना की बाणी है, पर प्यार वालियो, सारे भगत साहिबाना का निश्चा, सारे भगत साहिबाना की बाणी का सिद्धांत केवल तो केवल एक ओंकार है। क्योंकि जदों साडी सुरत एकता नाल जुड़ेगी तो सच है विवाद खत्म होणगे। अज साडी सुरत अनेकता नाल जुड़ी है, इस करके हर पल एक नवा विवाद जन्म लै रहा, तो इस करके गुरु नानक साहब ने सानू एक ओंकार दे नाल जुड़िया, एक दे लड़ लाया, उस एक अकाल पुरख दे लड़ लाया। प्यार वाले, पहला सवाल भगत फरीद जी का सीगा कि अकलमंद कौन है, तो सतपुरशां ने इहदा जवाब भेजिया कि जो त्यागी है उही अकलमंद है। क्योंकि दुनिया दे विच त्याग करना सब तो कठिन बात है, त्याग उही कर सकता है जिन्हों इस गल की सोझ ही आ जाए कि दुनिया मुसाफरखाना है, मैं इत्थे सदा लई नहीं रहना। जिहड़ा इस गल नू समझ जावे, दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, ममसर मुए इजराइल, गिरफ्ते दिलहेच ना दानी। जिहड़ा इस गल नू समझ जावे उही पंजां विकारां दा त्याग कर सकदा है। सतपुरशां ने कहा असल विच उही अकलमंद है
जेड़ा त्यागी होवे जेड़ा चार अक्षर पढ़ जावे ओ अकलमंद नहीं, क्योंकि चार अक्षर पढ़न वाले दे विच भी हंकार आ जांदा है, पर अकलमंद होवे जेड़ा पंजां काम क्रोध लोह मोह हंकार दा त्यागी होवे। दूसरा सवाल सी दुनिया दे विच सब तो वड्डा कौन है। दुनिया विच सब तो वड्डा उही है जेड़ा दुख दे विच घबराउंदा नहीं ते सुख दे विच जेड़ा उछलदा नहीं, भाव दुख आ जावे ते घबरा नहीं जांदा उदास नहीं हो जांदा ते सुख आ जावे ते हंकार नहीं करदा। जिस तरह गुरबाणी दा मुख वाक है ताका कहिया दर प्रवान बिक अमृत दुए सम कर जान, उही सब तो वड्डा है इस दुनिया दे विच जेड़ा रब दे भाणे विच रहिंदा, जेड़ा रब दे हुकम दे विच रहिंदा। किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जेड़ा उहदी रजा विच उहदे हुक्म दे विच रहिंदा है दुख आ जावे घबराउंदा नहीं सुख आ जावे ते उछलदा नहीं, उही सब तो वड्डा है। तीसरा सवाल भगत फरीद जी ने किया कि अमीर कौन है, ते प्यारे सत पुरशां दा समुचे सत पुरशां दा जवाब आया कि जिदे कोल संतोख है उही अमीर है, कोई दौलत करके धन करके अमीर नहीं बल्कि जेड़ा सबर संतोखी है उही अमीर है। इस करके बाबा फरीद जी ने भी अपनी बाणी दे विच दर्ज किया कि सबर एहो सुआओ जे तू बंदा दिड़ करहे वध थी वहे दरियाओ टुट ना थी वहे वाहड़ा। कहिंदे जेड़ा सबर संतोखी बंदा है ना वह तो एक वड्डे विशाल दरिया की तरह है। चौथा सवाल भगत फरीद जी का सी कि गरीब कौन है। प्यार वाले उस सत पुरशां ने कहा किसी को दौलत ना होवे ते वह गरीब नहीं हुंदा बल्कि असल मायनियां दे विच वह गरीब है जेड़ा लालची है जेड़ा लोभी है, क्योंकि भावें अरबपति भी होवे जे वह लालची है लोभी है वो अंदर तृष्णा बहुत होगी। तृष्णा ऐसी होवेगी कि किसी दूसरे के मूँह के विचों नवाला खो के भी खाण का यतन करेगा खोण का यतन करेगा, पर प्यारियो जेड़ा सबर संतोखी है तो अपने मूँह का नवाला भी किसी लोड़वंद नू दे के उहदी मदद जरूर करदा। सो इन्हां सवालों के विचों आपां भी सिक्ख्या लैण का यतन करिए और अपने जीवन के विच क्रांति लिया करके उस रब कोलों उस खुदा कोलों दात मंगीए कि तेरी पनहे खुदाए तू बखसंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।